सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द वाइन प्रोडक्शन। सो वाइन प्रोडक्शन का सबसे पहला स्टेप है कि हम सबसे पहले ग्रेप्स को पिक करेंगे। सो ये देखिए हमारे पास ग्रेप्स, तो जो लोकल ग्रेप्स हैं हम वहाँ जो भी फार्मर्स है या जो भी वाइन यार्ड है वहाँ से हम ग्रेप्स को कलेक्ट करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे एंड उनका फिर हम क्या करेंगे, डी स्टेमिंग करेंगे। डी स्टेमिंग का मतलब है कि ये जो हमारे ग्रेप्स होते हैं ये ऐसे ब्रांचेस होती हैं इनमें और उसके ऊपर ये ग्रेप्स लगे होते हैं। तो हम इन ब्रांचेस का तो हमें कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ ग्रेप्स चाहिए, तो हम इन सिर्फ ग्रेप्स को यहाँ से अलग कर लेंगे। सो दैट इज़ नोन एज द डी स्टेमिंग। सो डी स्टेमिंग करेंगे एंड उनको क्रश किया जाएगा। सो क्रशिंग एंड प्रेसिंग, आफ्टर क्रशिंग जब आपने ग्रेप्स को क्रश कर लिया उसके बाद आपको जो मिलेगा दैट इज़ नोन एज द मस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, मस्ट बोलते हैं। एंड ये जो मस्ट होता है दैट इज़ फ्रेश जूस कंटेनिंग सीड्स सॉलिड्स एंड स्किन ऑफ द ग्रेप्स। अब देखिए आपके पास डिफरेंट टाइप की वाइन्स होती हैं। इन केस ऑफ द रेड वाइन, अगर हम रेड वाइन की बात करें तो यहाँ पर जो मस्ट है उसको हम क्या करते हैं, दैट इज़ अलाउड टू सेट टू गेट टैनिंस फ्लेवर एंड कलर एंड दिस टाइम पीरियड इज़ कॉल्ड द मैसरेशन। यानी कि उसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैसरेशन। सो यानी कि जो हमारे ग्रेप्स हैं उनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं रेस्ट करने के लिए, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, मैसरेशन बोलते हैं। उसके बाद उनकी प्रेसिंग की जाती है एंड प्रेसिंग करने से क्या होता है, जो ग्रेप जूस है वो अलग हो जाता है जिसको हम फ्री रन बोलते हैं, और जो मस्त है जो रिमेनिंग रहता है उसे हम पोमेस बोलते हैं। सो अगर हम वाइट वाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पर ग्रेप्स का कोई मैसरेशन नहीं होता है, उनकी डायरेक्टली प्रेसिंग होती है। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पर फॉर ओनली द रेड ग्रेप्स वालों के लिए, रेड अगर हमें वाइन बनानी है तो उसके लिए मैसरेशन किया जाता है टू गिव इट अ वेरी गुड टेक्सचर, टू गिव इट अ वेरी गुड फ्लेवर एंड उसके बाद मैसरेशन के बाद उसकी प्रेसिंग की जाती है। लेकिन जो हमारे वाइट वाइन है उस केस में हम डायरेक्टली प्रेसिंग कर देते हैं। उसके बाद होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो शुगर है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल एंड CO2 बाय एडिंग दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यीस्ट दैट इज़ मोस्टली सैक्रोमाइसे सर्विसे। सो हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर फर्मेंटेशन कर रहा है जिसमें कि जिसके लिए हमने यीस्ट को ऐड करा है एंड आपका फर्मेंटेशन होगा, जो ग्लूकोज फ्रक्टोज प्रेजेंट था वो जो भी लाइक शुगर उसके अंदर प्रेजेंट था वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा क्रिएटिंग द वाइन। सो अगर आपको स्वीट वाइन बनानी है या फिर आपको ड्राई वाइन बनानी है, ड्राई वाइन का जब बनती है जब हम सारी शुगर, मतलब फर्मेंटेशन चल रही है तब तक हम फर्मेंटेशन चलाएंगे जब तक कि सारी जो शुगर है वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, मतलब कंप्लीट फर्मेंटेशन हो जाए, कोई भी ऐसा शुगर ना रहे जो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। वेरस जो स्वीट वाइन होती है, स्वीट वाइन के केस में हम कंप्लीट फर्मेंटेशन नहीं करा देते हैं, पहले ही उसको रोक दिया जाता है, मतलब कि सारी शुगर अभी अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं हुई है, पहले ही हमने उसको रोक दिया, तो दैट इज़ इन केस ऑफ द स्वीट वाइन। उसके बाद उसकी होती है क्लैरिफिकेशन, जिससे कि कोई टैनिन प्रोटीन रेड यीस्ट जो भी अगर बच गया हो उसके अंदर तो वो रिमूव हो जाए बाय फिल्ट्रेशन एंड उसके बाद हम उसकी एजिंग और बॉटलिंग करते हैं। सो क्लैरिफिकेशन क्यों की जाती है, आफ्टर फर्मेंटेशन जो वाइन है अभी भी थोड़ी क्लाउडी सी है, सो हम उसको क्या करते हैं, क्लैरिफिकेशन करते हैं, उसको साफ करते हैं, जो भी उसके अंदर अभी डेड यीस्ट बचा हुआ होगा तो उसको भी हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद उसकी सैम्पलिंग की जाती है, उसको टेस्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है उसकी क्वालिटी को, देन आप अगेन फिल्ट्रेशन कर सकते हो और उसके बाद में उसको एजिंग भी हम कर सकते हैं।
मतलब उसको स्टोर करके रख देंगे थोड़े सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए, ताकि उसको एक और अच्छा फ्लेवर मिले, एंड उसके बाद उसकी बॉटलिंग और लेबलिंग करके मार्केट में भेज दिया जाता है। सबसे पहले हमने क्या किया, हार्वेस्टिंग, देन क्रशिंग, प्रेसिंग, देन फर्मेंटेशन, देन क्लैरिफिकेशन, देन एजिंग एंड बॉटलिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।